हेलो 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 हेलो, वेलकम टू डीसीवी एक्सपीडिशंस गाइस। मैं अपनी उत्तराखंड की ड्राइव पे हूँ। सोलो निकला था और थोड़ा सा फील लेना चाहता था, बट द इशू इज़ कि अभी इट्स टू मच टूरिस्टी, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट, राइट। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ देना चाहूँगा, आई ओन बोथ द न्यू थार एज वेल एज द न्यू गुरखा। और थार की अगर बात करें तो दैट्स दिसंबर 2020, सो लगभग 1.5 साल उसको हो चुका है और 27,000 किलोमीटर्स। सो आउट ऑफ दोज 27,000 किलोमीटर्स, कम से कम 24,000 से 25,000 किलोमीटर्स आर इन हिमालयाज ओनली, और बहुत कुछ झेला उसने भी। उसके साथ में दिस इज़ मार्च 2022, सो अभी तक इसमें हुआ है लगभग 6,200 किलोमीटर्स, तो जब तक मैं वापस पहुंचूंगा इट विल बी 7,000 किलोमीटर्स। दिस व्हीकल इज़ ऑन इट्स सेकंड ट्रिप राइट नाउ। पहला जो ट्रिप था वो था स्पीति मार्च में लेते ही, विद इन लाइक 7-10 डेज, एंड नाउ इट्स सेकेंड ट्रिप इज़ टू उत्तराखंड। तो बहुत कुछ देखने को मिला और उसके साथ में आई होप कि आई कैन टेल यू सम थिंग्स राइट नाउ। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी क्वाइट ब्रूटल ऑन बोथ द व्हीकल्स, तो जो लोग थोड़े से दिल के कमज़ोर हैं और अपनी चॉइस के बारे में थोड़ा सा अभी नहीं सुन सकते, वो लोग निकलने इधर से, क्योंकि मतलब अपना सीधा सा फंडा है कि जो है सो है, राइट। तो कोई ऐसा प्यार मोहब्बत है, बट जो चीज़ है वो सही है, क्योंकि तो इस टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं दोज आर क्वाइट सीरियस व्यूअर्स, और अगर मैं ज़्यादा भी ना बोलूँ तो कम से कम 1,000-1,500 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया है मेरे थार लेने के बाद, उन्होंने थार ली। तो जितने लोगों ने डायरेक्टली मुझे कम्युनिकेट किया है उसके अलावा और कितनों ने ली होगी, तो आई रियली फील यू कैन से रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट कि जो भी फीडबैक मैं आपको दूँ वो आपके बाइंग डिसीजन में बहुत हद तक आपकी हेल्प करे, रादर देन एक ऐसा वेग वीडियो जहाँ पे सिर्फ लाइक 1-2 लाख-4 लाख व्यूज़ आ जाएँ उसके लिए आप कुछ भी बोल दो, लाइक शोरूम पर जाके एंड विदाउट इवन ओपनिंग द डोर यू आर telling the viewers that this is the best 4x4 or this is the worst 4x4, no, it doesn't go like that. So I'm sure ki aap brief se hi samajh chuke hoge ki kitna serious ye video hone wala hai. If you are really serious about buying a vehicle, to ji ye iski second trip hai gurkha ki, aur bahut extreme trips isse abhi tak nahi hui hain. Yes, is trip pe iske tire change ho ke aaye the, mud terrain lag ke aaye the, to yes mud terrain ki testing hui hai, you will see that video soon. उसके अलावा जो मेन मुद्दा था इस गाड़ी की तरफ जाने का आफ्टर बाइंग थार, वो था कि एक तो जो अपनी थार है डीजल थार है मेरे पास, तो दैट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन SCR सिस्टम जिसके अंदर आपको एक DEF फ्लूइड डालना पड़ता है, और जब मैं बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे ट्रैवल कर रहा था तो 2 बार मैंने DEF इशूज़ फ़ेस किए, DPF इशू नहीं फ़ेस किया थैंकफुली, DPF इसके अंदर भी है। तो DEF इशू जो था उसने मुझे काफ़ी परेशान किया इन कोल्ड कंडीशंस, और उसके अलावा DPF भी लोगों का काफ़ी चोक हो रहा था थार डीजल के अंदर। तो अगर मेरे पास पेट्रोल वाली थार होती तो शायद ये गाड़ी नहीं आने वाली थी, बट चलो जो भी है, इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। तो जो मेरा मेन मुद्दा था इस गाड़ी की तरफ जाने का वो था कि फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल्स जो कि इस प्राइस रेंज में सिर्फ इस गाड़ी के अंदर आते हैं, दूसरा कोल्ड स्टार्टिंग इश्यूज। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी डीजल है और एक सिंपल इंजन है तो इट शुड गिव मी लेस प्रॉब्लम्स, तो इसके अंदर LNT बेस्ड सिस्टम है एग्जॉस्ट सिस्टम, तो उसमें आपको DEF फ्लूइड से निजात मिल जाती है, DPF इसके अंदर भी है, मैंने टेस्ट किया है उन चीज़ों को, इट्स नॉट क्रिएटिंग मच प्रॉब्लम्स, मतलब अब तक मैंने नहीं फेस किया कि DPF भी चोक हुआ है, जबकि मैंने इसको घंटों खड़ा करके स्टार्ट भी रखा है जो कि मैं थार के साथ मैंने कभी नहीं किया। तो दैट मींस कि इन दैट सेंस जो मैंने सोचा था वो सॉल्यूशन मुझे मिला है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जगह बहुत है, उसके अलावा मैं मतलब इसके ऊपर रूफ टेंट ना भी लगाऊं तो मैनेज कर सकता हूं अंदर सो के, तो एक्सट्रीम वेदर बिल्ड मेरी तरफ से थी ये गाड़ी लेना, क्योंकि
मैंने सोचा था कि फर्स्ट थिंग इज कोल्ड स्टार्ट इसका बेटर है थार से एज पर दी रिव्यूज एज ऑफ नाउ, बट जैसे ही मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इन वाली कमिंग विंटर्स में सो आप लोग को क्लियरली पता लग जाएगा। बट मेरा अजम्पशन है कि DPF इशू तो मैंने टेस्ट किया है नहीं है जनरली, मतलब आपके सामने इतनी आसानी से नहीं आएगा अगर आप इसको लाइक सारी रात ही खड़ा कर दोगे तो मे बी, बट कुछ घंटों में तो नहीं आता इसके अंदर। उसके अलावा कोल्ड स्टार्ट की टेस्टिंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा आने वाले सर्दियों का, जब टेम्परेचर्स बहुत लो जाएंगे -30 के टाइप, वहाँ पर फिर इसको टेस्ट करेंगे कि हमें कितना ईजी ये करती है वहाँ पर उन जगहों पर। तो जैसा मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि जो लोग, जैसे कोई हो सकता है थार का बायर हो, कोई हो सकता है गुरखा का ओनर हो, और फिर दिक्कत क्या है कि लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अभी तक भी मैं खुद को भी बहुत पुराना 4x4 यूज़र नहीं कहूँगा, बट एक दिक्कत होती है 4x4 यूज़र्स के अंदर कि जो उन्होंने ले लिया उसके बाद में वो उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा कनेक्शन तो देखो होता ही है, पैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ये, तो थोड़ा सा ये मैंने देखा है पुरानी वाली थार के ओनर्स के अंदर भी एक कमी है कि वो किसी और चीज़ को, किसी और गाड़ी को अपनी गाड़ी के सामने कुछ समझते नहीं है। सेम मैंने गुरखा के साथ देखा, और ये जनरली तब तक होता है जब तक द व्हीकल इज़ अ निश एंड इट्स नॉट सेलिंग इन बिग नंबर्स। अगर आप पुरानी वाली थार को नई वाली थार से कंपेयर करोगे तो जैसा हल्ला मचाया जा रहा था, शोर मचाया जा रहा था कि इट्स नॉट एज टफ दिस एंड दैट, तो वो जनरली किस लिए हो रहा है कि जो क्रैश टेस्ट रेटिंग्स हैं उनकी वजह से गाड़ी के बम्पर्स को प्लास्टिक का कर दिया गया है। एंड वो तो पुराने वाली थार में भी एंड के सेक्शंस में आ गया था, बट लोग उसमें मेटल के बम्पर लगवा लेते थे, तो वो क्या करते हैं, वो कीचड़ में या किसी गड्ढे में तेज स्पीड से जाते हैं तो फॉर श्योर प्लास्टिक बम्पर के टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, मेटल के नहीं हैं। तो वो परसेप्शन बन गया, 2-4 वीडियोज़ आई जहाँ पे इसके प्लास्टिक के बम्पर पानी में गाड़ी कूदी वो उड़ गए तो हल्ला मचा दिया गया। फिर उसके साथ में रेडिएटर का जो नीचे थोड़ा सा सेक्शन नीचे आ रहा था तो उसकी वजह से भी काफ़ी शोर मचा। बट जैसे कि पुरानी वाली थार में लोग काम करते थे, नई वाली में भी करो तो वो भी टफ हो जाते हैं, नीचे प्रोटेक्शन वगैरह लगाओ तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो मेन मुद्दे पर बात करते हैं, मैं बुरा लगने की बात कर रहा था, तो बहुत से लोग हैं जो बुरा मान जाते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द राइट पॉइंट्स जो कि नेगेटिव हैं, और अगर ये चीज़ें ज़्यादा बायर्स को पता हों तो कंपनी के ऊपर प्रेशर आता है कि वो इन चीज़ों को करेक्ट करें नेक्स्ट वर्जन में। इट्स बेटर फॉर द कंपनी एज वेल एज बेटर फॉर द बायर। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है रादर देन वो बच्चे वाली सोच की नहीं 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 मेरी टॉफ़ी क्यों ले ली वाली बात है, तो ऐसा नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट गुड बैड एंड अगली ऑफ दिस व्हीकल and let's compare it with the Thar as per my experience on those thousands of kilometers and lonely nights I spent. So let's first talk about the positive points and let's compare it with the Thar. So first positive point of this vehicle is the simplified emission system jo ki being a diesel is gaadi ko kafi had tak bachata hai jo problems थार डीजल के ओनर्स फेस कर रहे थे, जिनके पास थार पेट्रोल है या मैंने जिनके भी साथ ड्राइव की है और उनके पास में पेट्रोल थार थी तो दे हैड नो इश्यूज एट ऑल बिकॉज पेट्रोल इंजन्स आर सिंपलर इंजन्स राइट। तो ये चीज़ मैंने देखी, यस थार डीजल बिकॉज वही ज़्यादा बिक रही है। इफ़ यू विल सी जो वेटिंग पीरियड है जो 18 महीने आप सुनने को आता है, 12 महीने सुनने को आता है, दैट्स फॉर डीजल ऑटोमेटिक हार्ड टॉप थार। तो मैं उसी से रिलेट क्योंकि वो व्हीकल मेरे पास रहा है, पेट्रोल का मैंने आपको बता दिया देर आर नो इश्यूज़, बहुत छोटे छोटे कोई इश्यूज़ हैं तो वो ओनर्स को पता होंगे और उन्होंने ऑलरेडी शेयर किए होंगे, मैं ओनर नहीं हूँ तो आई कांट कमेंट, बट उन ट्रिप्स पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो मेरे साथ में जो ड्राइव कर रहे थे उनका, तो आई कैन जस्ट टेल अबाउट दैट। उसके साथ में तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर जो LNT है जहाँ से हम DEF फ्लूड वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं, उसकी वजह से एक ड्रॉबैक जो इस गाड़ी में आता है कि यू कॉन्ट ट्यून इट वेरी एग्रेसिवली, जो लोग बोल रहे हैं कि 120 bhp की तो होनी चाहिए थी, तो वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हम लोगों ने किया है उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है कि गाड़ी फेलियर्स जो DEF रिलेटेड या और DPF रिलेटेड जो फेलियर्स हैं उनसे काफ़ी हद तक ये गाड़ी बची हुई रहेगी। आपने ज़्यादा सुना भी नहीं होगा कि इस गाड़ी में उस तरह के इशूज़ हैं, फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंड थिंग इज़ कि इस गाड़ी के अंदर इनफ स्पेस है, लाइक हेड रूम
इफ़ यू आर सिटिंग इन साइड, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर सिटिंग गाड़ी के अंदर बैठे हो और आपको कुछ भी करने के लिए बाहर निकलना है. तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस इन साइड. और अगर दो पैसेंजर आपके साथ हैं, काफ़ी सारा लगेज भी है, तो यू नो देयर इज़ नो इशू एट ऑल. देयर इज़ नो इशू एट ऑल. मतलब काफ़ी अच्छा लगता है पीछे कैप्टन सीट्स पे पैसेंजर्स को बैठने में भी. ये हुई बात. उसके अलावा तीसरी चीज़ जो है इसमें, कुछ फंक्शनल एक्सेसरीज़ जो हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं व्हेन यू टॉक अबाउट 4x4 व्हीकल्स, तो वो कंपनी ने RTO अप्रूव्ड कराई हुई हैं. आई ऑलरेडी हैव द डॉक्यूमेंट्स. अगर आपसे कोई रास्ते में पूछता है तो यू कैन शो देम टू द पुलिस एंड ऑल. तो फर्स्ट थिंग, स्नॉकल वेरी फंक्शनल, वेरी वेल डिज़ाइंड. पीछे की तरफ ऑलरेडी इन्होंने ध्यान रखे कि वैसे तो लाइक इंडिया में लोगों ने गुरखा में ज़्यादातर देखा है तो दे से कि स्नॉकल पीछे की तरफ ही होना चाहिए, बट नो, ग्लोबली द स्नॉकल एक्चुअली फेसेस फ्रंट ओनली. बट यहाँ पे इन्होंने इंडियन कंडीशंस को देखते हुए पीछे की तरफ इसका मूव किया है, जो कि लाइक एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एयर तो उसको सक करनी है रादर देन जो हवा सामने से लगती है उससे हवा नहीं जाती. द इंजन इज़ एन एयर पंप और उस एयर पंप में जो सक्शन होता है उसकी वजह से एयर अंदर जाती है और उससे बहुत ही सूदिंग साउंड भी जनरेट होता है हिल्स में व्हेन यू कैन ओपन द विंडोज़ जहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं है. सो यू हियर दैट साउंड. तो ये एक अच्छी चीज़ है. रूफ कैरियर, यू कैन कैरी लॉट ऑफ लगेज. पीछे CD भी लगी हुई है, प्रॉपर टो हुक है. जो भी चीज़ें हैं वो कंपनी ने अपनी तरफ से मेहनत करके RTO अप्रूव कराई है. और ये भी एक रीज़न था कि मैंने इस गाड़ी की तरफ अपना मूड बनाया, क्योंकि एफर्ट्स लाइक यू नो ये जो एफर्ट्स थे कंपनी के, उसी वजह से मैंने एक अपनी तरफ से एक अमाउंट इन्वेस्ट किया इस गाड़ी की तरफ. और समझ रहे हो ना. सो दिस इज़ अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दिस व्हीकल एंड द कंपनी जो इन्होंने मेहनत करके इस गाड़ी में देने की कोशिश की है. उसके अलावा सीट्स आर रियली रियली कम्फर्टेबल. थार की सीट्स इस गाड़ी की सीट्स के सामने ज़ीरो हैं बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने थार में ट्रैवल किया था शुरू में स्टॉक सीट्स पे, भाई साहब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था, थक जाता था मैं. तो मैंने फिर सीट्स को मॉड कराया अपने हिसाब से. इस गाड़ी की सीट्स क्रेजी कंफर्टेबल मैन, क्रेजी कंफर्टेबल. तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड रहता है मामला. उसके साथ में नेक्स्ट चीज़ इज़ क्लच. तो वैसे तो मेरी थार ऑटोमेटिक थी तो मेरा क्लच से कोई मतलब नहीं था, बट यू कैन रिलेट कि अगर क्लच यूज़ ही नहीं कर रहा था मैं उसके बाद में, क्लच वाली गाड़ी में मुझे कोई दिक्कत क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे असिस्टेड क्लच है. जब आप इसको गाड़ी को लाइक रात को खड़ी करके सुबह एक बार क्लच प्रेस करोगे, यू कांट इवन प्रेस द क्लच. मे बी पुरानी वाली गुरखा में ऐसा ही क्लच होगा एंड दैट वाज वेरी वेरी हेक्टिक. इसमें तो क्लच ऐसा है कि यार यू कांट इवन फील अ फटीग आउट ऑफ इट. लाइक हज़ारों किलोमीटर चला के भी मुझे नहीं लगता कि आप थकने वाले हो इस क्लच की वजह से. सो एक तरह से ऑटोमेटिक ही है ये, क्योंकि इसका गियर बॉक्स भी इस तरह का है कि पहाड़ों में आप एक गियर में गाड़ी को डाल दो और चलते रहो, ज़्यादा गियर चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती. सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक ओनली. तो इट्स ओके इन दैट रिगार्ड एज वेल. अब प्लस पॉइंट्स और क्या बचे हैं इसके अंदर, आई गेस डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव पॉइंट्स. So some people are going to be hurt. Okay, so let's talk about negative points of this vehicle. First thing is, this vehicle is very bad at managing the ground clearance. Front में कुछ और है, rear में कुछ और है, mid में कुछ और है. So you can't judge कि आप कहाँ से hit करोगे गाड़ी को. और इस trip पे जो कि इतनी कोई ज़्यादा एडवेंचरस नहीं रही, लाइक आई रियली लव डूइंग एडवेंचर ट्रिप्स, नॉट नॉर्मल ट्रैवल एंड ऑल, बट इतनी ज़्यादा एडवेंचरस नहीं रही. एक जगह पे ही हमें लाइक मड से सामना करना पड़ा था. वहाँ पे उस रास्ते पे था लगभग 10-11 किलोमीटर का जो मैंने कई बार किया, तो वहाँ पे इस गाड़ी ने बहुत बार अपने फ्रंट को बहुत ज़ोरदार तरीके से हिट किया, जो कि अनअवॉइडेबल था एक्चुअली. तो निकलना तो था ही उधर से. तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि यू गेट स्टक, क्योंकि इन जगहों पे बिल्कुल एंड, आप जब कंट्री के बिल्कुल एंड के एरियाज़ में होते हो तो देयर आर बिग चांसेस कि आपको कोई हेल्प भी ना मिले. तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट बन जाता है. फ्रंट में इन्होंने जो डिज़ाइन दिया है सस्पेंशन का, दैट सस्पेंशन इज़ क्रेजी लो मैन. मतलब अनइमेजिनेबल है कि कंपनी कैसे ऐसी बेवकूफ़ी कर सकती है इस तरह की गाड़ी की, जो कि इतनी केपेबल हो सकती थी और उन्होंने उसको ऐसे लिमिट कर दिया कि
मैं क्या बोलूँ यार, मतलब थार कोई कैंडल नहीं दिखा सकती है व्हेन यू टॉक अबाउट ऑफ रोड। और अभी मैं आपको एक नहीं कई एग्जांपल्स दूंगा, बहुत लोग दुखी होने वाले हैं इन चीज़ों को सुनने के बाद में। ये जो आप अगर 3x4x4x4 लिखने से अगर गाड़ी खरीद रहे हो ना, यू आर अ फूल। इट मे फील बैड, इट मे लाइक इट मे लुक बैड, मैं ये बात बोल रहा हूँ, बट इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर दिस 4x4x4 इंस्टेड ऑफ 4x4 लोगो ना, यू आर अ फूल। अभी कोई और कंपनी आके 4x4 लिख देगी तो दैट वॉन्ट मेक इट बेटर व्हीकल, राइट। तो यहाँ पे ये गाड़ी बहुत एस्पेक्ट्स में लूज करती है व्हेन वी टॉक अबाउट 4x4 फॉर्म। फर्स्ट थिंग, दिस सस्पेंशन सेटअप, इट वर्क्स, इट्स रियली कंपोज्ड। व्हेन यू आर गोइंग ऑन बैड सेक्शंस, इफ यू आर कीपिंग द एयर प्रेशर, जो कंपनी बोलते हैं 28-29, इट ग्लाइड्स, इट गोज रियली वेल। इफ यू विल कंपेयर इट विद द अदर व्हीकल्स, जैसे महिंद्रा के व्हीकल स्पेशली, तो वो क्रैशी फील होंगे आपको उन रास्तों पे जहाँ पे ये बड़े कंपोज तरीके से निकल जाएगी। बट जो डिज़ाइन इन्होंने किया है, जो कंट्रोल आर्म्स, अभी कई लोग हैं वो बस वो प्लेट के पीछे पड़े हुए हैं। द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ द लोएस्ट हैंगिंग पॉइंट ऑफ द व्हीकल। तो आप प्लेट बचा लोगे तो आपकी कंट्रोल आर्म्स टकराएंगे, तो कंट्रोल आर्म्स स्टॉक टायर्स के साथ में बहुत लो हैं, नॉट इवन 200 mm, मुझे लग रहा है 180 mm और 190 mm के आसपास कंट्रोल आर्म्स हैं। और फिर जब आप चल रहे हो तो उन कंट्रोल आर्म्स का एक सेक्शन जहाँ पे वो कनेक्टेड हैं वो भी बहुत लो हैंगिंग है, तो ये टकराते ही टकराते हैं। तो अगर कोई अच्छा खासा पत्थर लग जाए तो आपकी ट्रिप ख़त्म भी हो सकती है इस चक्कर में। सो फर्स्ट थिंग इज़ ग्राउंड क्लियरेंस, सेकेंड थिंग इज़ जो ये सस्पेंशन इस गाड़ी की मदद करता है ड्यूरिंग ये जो ख़राब रोड वाले सेक्शंस पे, वही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। अब ये चीज़ वो बंदा नहीं बता सकता जिसने दोनों गाड़ियों के साथ में या फिर मल्टीपल गाड़ियों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना किया हो। जैसे मैं बोल रहा था, मोस्ट बायर्स आर द फर्स्ट टाइम बायर्स, एंड वो जो नॉर्मल गाड़ियाँ थी फ्रंट व्हील ड्राइव जो चला रहे थे, उसके बाद में उनको गॉड लगती हैं 4x4 गाड़ियाँ। ऑब्वियसली यार, दीज आर अल्फाज ऑफ दी फोर व्हीलर्स। तो वहाँ पे फिर वो सुनना नहीं चाहते, वो कहते हैं मैं वहाँ से निकल गया था, बट दे कांट कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स, क्योंकि समझ रहे हो ना, सेम व्हीकल को सेम सिचुएशन में चला के ही आपको पता लगता है। दैट्स व्हाई आई टेक सो मच पेन, बिकॉज आई रियली लव टू लर्न न्यू थिंग्स, कि एक गाड़ी, सेम गाड़ी, सेम सिचुएशन में दूसरी गाड़ी से कैसे डिफर करेगी। सो आई रियली लव डूइंग दोज थिंग्स। यही कारण था कि इसको लेते ही मैं उससे, जबकि मैं 20 दिन पहले थार में स्पीति गया था, तो मैं फटाफट से इसको भी लेके गया, सेम जगहों पे लेके गया, मैंने कंपेयर किया। लोगों को समझ नहीं आता है, वो लाइक सीधा आउट क्राई, अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो करने लगते हैं, तो रेशनलाइज नहीं करते लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनियादारी में यही है, उनको समझ में लाइक बस उन्होंने जो सोच लिया वही बेस्ट है वाली टाइप की फीलिंग है, जो कि मदद नहीं करती। मतलब रियल लाइफ में इट्स नॉट हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल। आपके लिए होगी, मे बी यू आर सेटिस्फाइड योर ईगो और समथिंग, बट अगर आपको, आप किसी को सलाह दे रहे हो तो इट शुड बी अ गुड सलाह, राइट। ही इज स्पेंडिंग मनी। वो मेरे साथ तो हमेशा ही रहा है कि आई नेवर हैड अ बिग ब्रदर, सो मुझे तो करियर में एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं था, तो खुद ही हिट एंड ट्रायल करके ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एंड ऑल। पर सेम विद द व्हीकल्स, अब किसी से पूछो तो वो बोलता है नो दिस इज़ गॉड, वो बोलता है नो दिस इज़ गॉड। तो मुझे लगा भैया मुझे ही रिस्क लेना पड़ेगा या मुझे ही एफर्ट करना पड़ेगा। दोनों गाड़ियाँ खरीदी, चलाई, सेम जगहों पे कंपेयर करी, अब इससे ज़्यादा पेन और कोई क्या ले सकता है। बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर स्मार्ट, हु कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट सेव देयर मनी, आई वॉन्ट लेट देम बाय समथिंग विच इज़ बेटर फॉर देम, not by you know the fools who are just you know going gaga over anything they have. So let's talk about it. So ये suspension जो है इस गाड़ी का, ये उन patches पे जो इसकी मदद करता है off road conditions में, इसके लिए सबसे बड़ा drawback है, क्योंकि गाड़ी के suspension में travel की बहुत ज़्यादा अभाव है। वो करने का एक और भी कारण था, क्योंकि गाड़ी चौड़ी से ज़्यादा ऊँची है, जबकि off road में गाड़ी चौड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ऊंची कम होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स द रीज़न द न्यू थार इज सो वाइड एंड लो, एंड दैट वॉज द रीज़न जब मैं थार डेजर्ट की ट्रिप पे गया था। आई एम टेलिंग यू गाइज, दैट ट्रिप वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप आई एवर हैड, एंड एडवेंचरस एज वेल।
मैंने ड्यून्स के अंदर ये नहीं देखा कि मैं कहाँ घुस रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मेरा दिल भी तेज़ तेज़ धड़कता था कि इस वाले एंगल पे पलट ना जाए, बट उस गाड़ी ने जो परफॉर्म किया ना वहाँ पे, आई कांट इवन इमेजिन, क्योंकि ये ऊंची ज़्यादा है, चौड़ी कम है, एंड सस्पेंशन में ट्रैवल है नहीं, तो गाड़ी अपने आप को ऐसे ड्यून पे बैलेंस भी नहीं कर सकती, तो इट कैन टॉपल, समझ रहे हो ना। तो डेजर्ट के लिए तो ये गाड़ी है ही नहीं, इट्स फॉर द रोड ट्रिप्स जो कि मैं कर रहा था, एंड सम टफ सिचुएशंस जहाँ से आप निकल सकते हो, बट यू लूज समथिंग टू गेट समथिंग, राइट। तो ये समझने की ज़रूरत है, तीन बार चार लिखने से ये ज़्यादा केपेबल नहीं हुई है गाड़ी। देयर आर थिंग्स, अगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन इसका बहुत लिमिट करता है इसको, और जो जिन डिफ्लॉक्स के लिए ब्रेक किया जाता है इस गाड़ी में, अगर वो डिफ्लॉक्स ना हो तो ये गाड़ी टू व्हील ड्राइव में, इसको कोई भी और टू व्हील ड्राइव गाड़ी बीट कर सकती है, इफ़ दैट्स लैडर फ्रेम। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक हेयर पिन बैंड ले रहे हो इसके अंदर और आप टर्न कर रहे हो, तो ये गाड़ी का जो आउटर टायर है ना, मतलब जिधर से भी प्रेशर आके वो टायर हल्का सा उठ रहा है, तो ये गाड़ी टायर ज़मीन से ग्रिप छोड़ देती है वहीं पे। स्पीति के हेयर पिन बैंड्स पे आप फील करोगे, उत्तराखंड में आप फील करोगे, तो इट फील्स कि ये हो क्या रहा है, समझ रहे हो। सो इट राइड्स फ्लैट व्हेन यू आर गोइंग स्ट्रेट, बट इसके टायर्स ग्रिप बहुत जल्दी छोड़ते हैं व्हेन यू आर टर्निंग, राइट। तो उस टाइम पे टू व्हील ड्राइव में गाड़ी टर्न पे ऐसे झटके मार के चढ़े, क्योंकि एक टायर को कभी ग्रिप मिल रही है कभी नहीं मिल रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि एक नाकों में मैंने एक टेस्ट किया था थार और गुरखा का, तो वहाँ पे थार टू व्हील ड्राइव में भी चली गई वहाँ से, क्योंकि मैं भी गया हुआ था पहले। साहिल, जिसको पता भी नहीं था कि फोर व्हील ड्राइव एंगेज कैसे करना है, वो निकल गया आराम से। उसके बाद में दो गाड़ियाँ 4x4 हाई में आराम से निकल गई। मेरा, मैंने देखना था कि भैया क्या होता है, तो गाड़ी जैसे ही गई डायगनली फ्रंट लेफ्ट और रियर राइट ऐसे झूलने लगते हैं। तो उसके बाद में अगर आपको डिफरेंशियल्स की कॉन्सेप्ट पता है, तो डिफरेंशियल्स ऑलवेज सेंड पावर टू द व्हील विच इज़ ईजी टू रोटेट, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर दो टायर हवा में हो गए तो भैया पावर उनको चली गई, गाड़ी फंस गई। उसके बाद में अब ये डिफ्लॉक्स जो हवा बनाया जाता है डिफ्लॉक्स का, तो अगर डिफ्लॉक्स ना हो तो दिस व्हीकल कैन गेट स्टक वेरी ईजीली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब यू गेट समथिंग यू लूज समथिंग, राइट। तो मुझे बस, मैं ये बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ बोथ, आई ड्रोव दिस व्हीकल्स इन डिफरेंट सिनेरियोज, आई ट्राई टू कंपेयर दिस व्हीकल्स सो दैट आई कैन गिव यू द रियल आइडिया कि आपको चाहिए क्या। जैसे मैं कई लोगों से मिला और मैंने बोला था कि इसका सस्पेंशन बैड रोड्स पे बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो दे वर रियली हैप्पी, क्योंकि उनको वही चाहिए था। अगर मान लो किसी को ऑफ रोडिंग करनी है, ऑफ रोडिंग में यू कांट बीट थार, यू मे फील बैड राइट नाउ बट यू कांट बीट थार न्यू वन, क्योंकि उस गाड़ी में होता क्या है, फर्स्ट थिंग इज इसका कुछ ना कुछ नीचे टच हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वो वाले सेक्शंस जहाँ पे हम ऊंची ट्रेल्स पे चढ़ते हैं, जहाँ पे बीच में रट्स में टायर होते हैं, बीच में एक अप सेक्शन होता है जो कि नीचे डिफरेंशियल वगैरह को टच हो सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी पुअर ऑन इट, तो ये अटक जाएगी। उसके बाद में द टायर्स वोंट मूव मच, राइट। तो जैसे ही अगर मान लो डिफरेंशियल टिक गया, बॉडी कोई पार्ट टिक गया, तो टायर नीचे ग्रिप लेने के लिए नहीं जाएगा नीचे, सो इट्स स्टक। अगर आपने ऑफ रोडिंग में थार नहीं चलाई है, ये चलाई है, तो आप वो डिफ विफ लगा के कोई जगह पार करोगे तो यू मे फील लाइक गॉड, राइट। बट उसी चीज़ को जब आप साइड में थार बहुत आसानी से करते हुए देखोगे ना, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ एक लीवर ऐसे करेगा 4 high और वो निकल जाएगी गाड़ी। तो तब आपको समझ आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ये चीज़ कोई समझने को तैयार नहीं होता है, बट व्हाट आई एम सेइंग, मैंने दोनों गाड़ियों को एक जगह पे टेस्ट किया है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। और आपका जो मेन मोटिव है, मे बी उन ट्रेल्स पे आपको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट। आपको तो बैड रोड्स पे चलाना है, गेट इट। नहीं भैया, मैं तो ऑफ रोडिंग के लिए ले रहा हूँ, गेट दैट। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, बुरा क्यों मान रहे हो, समझ रहे हो। उसके अलावा फिट एंड फिनिश अंदर इस गाड़ी में कोई मतलब यू कांट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, इट्स मैनेजेबल,
बड़ी सिंपल गाड़ी है, जितने कम सेंसर्स होंगे और जितना आप रफ यूज़ करोगे उतना बढ़िया, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस उतने कम हैं। येस आई रियली लाइक इट, मैं इसमें बैठता हूँ। द स्टीयरिंग इज़ सो लाइट, बट वही स्टीयरिंग इतना ख़तरनाक है, मैं बता नहीं सकता। अगर आप ऐसे जैसे पत्थर मेरे चारों तरफ अभी हैं, ऐसे पत्थरों पे चल रहे हो एंड यू सडनली नीड टू टर्न, ये स्टीयरिंग ना फंसता है टक 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 करके। तो एक संदकपू में जो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने पहले भी कोट किया था, देर आर बिग चांसेस कि इसीलिए हुआ हो, क्योंकि उन्होंने लिखा था या बोला था कि स्टीयरिंग एकदम से टाइट हो गया। सो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बिकॉज जनरली हम ऐसे स्टीयरिंग्स यूज़ नहीं करते। मे बी इट्स समथिंग विच इज़ मोर रोबस्ट और समथिंग, भाई मैं तो बड़ी जल्दी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक बार दो बार कंप्लेन किया, उन्होंने बोला हमने कर दिया, पर स्टिल वो प्रॉब्लम है। तो मैं जैसा देखता हूँ कि इट्स ओके यार, मैंने अपने ड्राइविंग स्टाइल को चेंज कर लिया उस हिसाब से, बट मे बी समबडी हु इज़ नॉट लाइक हु इज़ नॉट इन टू ड्राइविंग वेरी मच, ही मे गेट स्टक विद दिस, ही मे गेट एन एक्सीडेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ भी यार मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। मैं वो नहीं बना रहा हूँ यार कि मैं एक शोरूम पे जाके और बस मुझे रिव्यू बनाना है। एक तो मैं रिव्यूज़ नाम की चीज़ से इतना ज़्यादा चिढ़ने लगा हूँ कि एवरीबडी इज़ रिव्यूइंग एवरीथिंग यार, दे हैव नो आइडिया, या इट कैन बी अ फर्स्ट इम्प्रेशन, लाइक मुझे ऐसे दिख रही है, इसमें ये है रिव्यू, दिस इज़ दी एंड दे गिव लाइक कंक्लूजन, दिस इज़ दी बेस्ट, दिस इज़ दी बेस्ट, 15 लाख में ये बेस्ट, 18 लाख में वो बेस्ट, एंड पीपल बाय व्हीकल्स आफ्टर सीइंग दोज वीडियोस, इट्स क्रेजी मैन, व्हाटएवर। तो अब बात करते हैं भाई आगे। तो ये कुछ कमियां हैं इसके अंदर, उसके अलावा जैसे इसकी रबर बीडिंग है या छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू योर सेल्फ कैन फिक्स दिस, थोड़ा सा गम वम लगा दो, ठीक कर दो, दिस एंड दैट, वो हो जाएगा मैनेज। जो इस गाड़ी को अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है इस टाइम पे, इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा नीड इस टाइम पे है ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस आ जाए तो कमाल हो जाए, और क्योंकि ये गाड़ी ना बेशक टू डोर है, बट इट्स वेरी बिग एंड इसके अंदर बैठ के जो अच्छा लगता है, जो स्पेशियसनेस फील होती है, वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि ये हाई बहुत है गाड़ी, और ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हाई ना होके चौड़े होने चाहिए, जिससे कि कंपनी उनके अंदर सस्पेंशन के अंदर आर्टिकुलेशन बढ़ा सके, जिससे कि वो टांगे लंबी करके ग्रिप ले सके कहीं पे, जो कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इट ड्राइव्स रियली वेल ऑन बैड रोड्स, बट इन ऑफ रोड कंडीशंस इट्स नॉट दैट गुड, जो कि लोग समझ रहे हैं इस टाइम पे, और जो हमेशा बात करते रहते हैं कि ये हार्ड कोर है, ये है वो है, व्हाट इज़ हार्ड कोर यार। तो मैं भी आसान रास्ता अपना सकता हूँ, इट्स वेरी इजी टू गो टू अ शोरूम एंड जस्ट से एनीथिंग अबाउट इट, लाइक फ्लैटर द पीपल। आप एक गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो एंड यू जस्ट से गुड थिंग्स और यू जस्ट से बैड थिंग्स, सो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑडियंस, विच हेट्स द व्हीकल, विच लव्स द व्हीकल। तो कोई ना कोई क्यूरियोसिटी की वजह से आएगा। तो आई एम टेलिंग यू द अगली ट्रूथ, कि जो बंदा बहुत मेहनत करके अपने व्यूज़ प्रेजेंट करेगा, उससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एक बंदा शोरूम पे जाके सिर्फ कुछ भी बोल दे उन वीडियोस पे। तो आसान रास्ता भी अपना सकते हैं भैया हम भी, बट नो आई डोंट वांट टू। जो सोशल मीडिया की अगर आप बात करें, तो मान लीजिए रिव्यूअर्स भी हैं जिनको कंपनी बुलाती हैं अपने गाड़ी के लॉन्चेस पे, उन लोग को भी बुलाया जाता है। यस फॉर श्योर यार, एक कंपनी अगर लॉन्च कर रही है तो फॉर श्योर वो उनके स्टे का इंतज़ाम करेगा, एक पार्टी शार्टी भी होगी, बट ऐसा थोड़ी ना है कि उनको पैसा दिया जाता है यार। ये एक गंदी जो ये आजकल सोच ये चल रही है सोशल मीडिया पे, दोज पीपल आर स्टिल बेटर देन द पीपल हु हैव नो आइडिया कि वो क्या बोल रहे हैं, एंड देन दे इन्फ्लुएंस द पीपल टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो समझो, तो अब हम बात करते हैं मॉड्स की जो मैंने इसमें अब तक करी हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें मैंने नहीं किए हैं, ये अपनी एक आप बोल सकते हो कि कोल्ड वेदर बिल्ड है, जिसमें कि मैं कोशिश करूँगा गाड़ी के अंदर ही रहूँ। इसमें कभी शायद परमानेंट हीटर भी मैं इंस्टॉल करूँगा अंदर, और जिससे कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाएँ। और उसके साथ में फिर इसके अंदर एक दो चीज़ें एडवेंचर हट से मैंने लगाई हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ।
तो यही चीज़ें हैं और आई रियली होप कि मैं प्लसेस एंड माइनसेस की बात कर पाऊँ. यस लास्ट थिंग एक चीज़ और मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि डीजल ही लेना चाहिए क्योंकि एक बार मेरा मन बना था कि यार पेट्रोल थार और ले लेते हैं क्योंकि मेरा हाथ उस पर ऑलरेडी सेट है, गाड़ी इज़ गुड फॉर माई पर्पज़. तो क्या करते हैं कि पेट्रोल थार ले लेते हैं. एक्सट्रीम जब कोल्ड रहा करेगा तो पेट्रोल थार को ले जाएंगे, थोड़ी माइलेज कम रहेगी, झेल लेंगे. और वैसे अपना बुलडोज़र रेडी है लाइक उसको ले जाया करेंगे जब एक्सट्रीम नहीं रहेगा. बट फिर मुझे लगा यार कि यार कहीं माइलेज बहुत कम ना हो पेट्रोल थार की, तो लेट्स गेट ए डीजल ओनली और थोड़ी जगह भी ज़्यादा मिल जाएगी गोरखा में. बट एक चीज़ से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहा, ये गाड़ी फ्यूल गजलर है. मतलब चलो टैंक ख़त्म टाइप. तो इट्स क्रेजी मैन. तो एक चीज़ और ये मुझे थोड़ी सी इसमें ख़राब लगी क्योंकि थार में भी मेरे व्हील्स, यार देखो दिक्कत क्या होती है, बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आपको बहुत लोग बोलेंगे स्नो चेन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो. इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट गुड टायर्स फर्स्ट. स्नो चेन्स की नीड आपको बहुत कम पड़नी चाहिए, तो इसलिए यू ऑलवेज पुट बेटर टायर्स ऑन द व्हीकल. एंड उससे क्या होगा कि आप 80% टाइम्स स्नो चेन्स की नीड को ही ख़त्म कर सकते हो. तो इसलिए मैं शुरू में ही टायर्स की व्हील्स की फिर चौड़ाई पे भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि व्हील्स आई एम टॉकिंग अबाउट द अलॉय व्हील्स, तो उस जिससे कि साइड वॉल ज़्यादा बबल ना करे और उसके कटने के चांसेस ना रहे. तो उसमें भी वेट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है पर टायर एंड व्हील, इसमें भी बढ़ा हुआ है. बट वो गाड़ी स्टिल इससे बहुत ज़्यादा माइलेज देती है. तो मेन मुद्दा ये है जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये चीज़ अगर बेटर होती तो ज़्यादा जस्टिफाई मैं अपने आप को कर सकता था इस परचेस के लिए. तो मेरे ख्याल से ना सारे पॉइंट्स इस टाइम पे कवर अप हो चुके हैं. अगर वैल्यू फॉर मनी की भी बात कर लें चलो एंड में, तो आई फील फॉर नॉर्मल जनता लाइक फॉर माई यूज़ केस आई रियली वॉन्टेड दिस टाइम अ सिंपलर व्हीकल विच इट इज़. देन आई वॉन्टेड यू कैन से अ लिटिल बिगर व्हीकल विच इट इज़. आई वॉन्टेड दिस व्हीकल टू बी एज मच रोड लीगल एज मच पॉसिबल विदाउट डूइंग मच मॉड्स इट इज़. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हद तक मतलब मेरे यूज़ केस में इस गाड़ी को फिट कराते हैं. आई एम रियली इन्जॉइंग इट. बट मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो वॉज कि क्या प्लसेज हैं, क्या माइनसेज हैं एंड विच फिट्स योर बिल, राइट? तो VFM की अगर बात करें तो मे बी फॉर 95% ऑफ पीपल थार विल बी मोर VFM बिकॉज ऑफ इंजन ऑप्शंस, गियरबॉक्स ऑप्शंस, फीचर्स एंड द वे दैट लुक्स, राइट? एंड द यूज केस. दिस व्हीकल इज फॉर अ निश स्टिल लाइक द ओल्ड थार वॉज. इट वॉज लव्ड बाई द पीपल हु बॉट दैट. या दिस इज ऑल्सो लव्ड बाई द पीपल हु बॉट दिस एंड बाइंग दिस. सो आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग इट. बट आई रियली वॉन्टेड टू कन्वे कि एक्चुअली मुझे क्या मिला और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था. तो अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ दो चीज़ों की वजह से इसकी पास आया था गाड़ी के. फर्स्ट थिंग इज़ कोल्ड स्टार्ट इश्यूज, सेकेंड थिंग इज़ दी DEF रिडक्शन. सो बोथ थिंग्स डन. उसके अलावा द प्लेजेंट सरप्राइज वॉज सस्पेंशन ऑन बैड रोड्स इज वेरी गुड. And I got to actually learn about the manual diff locks जो कि इसी गाड़ी में हैं इस price range में. और मैं miss क्या करता हूँ, सिर्फ ground clearance अगर इसकी सुधर जाए तो it's a very good vehicle. तो जी I hope काफ़ी लंबी वीडियो बनी है but I'm able to convey the real message being an owner of both the vehicles. These are rage as of now. And I really hope ki you will be able to put your money on the right tool after watching this video, guys. So, this video mein itna hi. Keep watching DCV. Bye-bye. So, agar aapka ek hi criteria hai gaadi lene ka ki bhaiya kaun si ko dekh ke log zyada gardan ghumate hain ya wow wow karte hain, to wo hamesha hogi gaadi jo kam dikhegi road pe. To jab maine Thar li thi, meri first batch ki gaadi thi, लाइक फर्स्ट मंथ में ही आ गई थी, तो उस टाइम पे लोग उसको देख के वाह वाह करते थे. फिर उसके बाद में वो गाड़ी रोड पे ज़्यादा होगी तो उसके बाद में वो कम हो गया. फिर उसके बाद में अब गुरखा कम दिखती है तो गुरखा को देख के वाह वाह करते हैं. तो अगर यही क्राइटेरिया तो भैया ये रास्ता है.